हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल्स बताऊंगा कि चेक बुक इशू करने के लिए आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है। चाहे आपका वो सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में हो या फिर कोई भी बैंक में हो, वो एप्लीकेशन लिखने का प्रोसीड्यूर एक ही प्रकार का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, टू द ब्रांच मैनेजर और पोस्ट मास्टर। अगर बैंक में है तो आपको बैंक मैनेजर लिखना है, अगर पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट मास्टर लिखना है। नेम ऑफ द बैंक ऑब्लिक पोस्ट ऑफिस और ब्रांच नेम कौन सा ब्रांच है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है इश्यू ऑफ चेक बुक फॉर माई अकाउंट नंबर दिस मच। आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट नंबर होगा आपको यहाँ पे अपना सेविंग्स अकाउंट नंबर लिखना है। डियर सर और मैडम, आई हैव ए सेविंग्स अकाउंट इन योर बैंक एंड द अकाउंट नंबर इज सो मच, प्लीज इशू मी ए चेक बुक कंटेनिंग 20, 50, 100 लीव्स। आपको जितने भी चेक्स चाहिए, 20, 50, 100, आपका ट्रांजेक्शन जिस हिसाब से है, आपको लगता है कि मेरे उतने चेक्स जरूरत पड़ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ चेक्स नंबर ऑफ चेक्स लिख के उनको सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और उसके बाद आपको यहाँ लिखना है योर्स फेथफुली, और जो एरो मार्क दिया हुआ है यहाँ आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद अपना नेम और मोबाइल नंबर लिखना है। ये बहुत ही सिंपल है। और आप इस एप्लीकेशन को चाहे इसी प्रकार से आपका प्रिंटर अगर है तो आप प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, या फिर नॉर्मल कोई भी प्लेन पेपर में बाय हैंड आप लिख के सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं पूरी जानकारी दे पाया हूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल सके सबसे पहले।